गुरद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी लेनो ब्रेशिया इटली विखे खालसा साजना दिवस नूं समर्पित पहला महान नगर कीर्तन 2 तरीक दिन एतवार नूं सजाया जाएगा जी। सो इस नगर कीर्तन दे विच इंडिया दी धरती तों अनेक ही रागी ढाडी पहुंच रहे हैं। जे आपां प्रशासन दे नाल उहनां दी सहमति दे नाल सारा सिस्टम वधिया तरीके दे नाल चलावांगे। दस्तार आम ही बनते हैं, आम देखने नौजवान अमृतधारी सिख मिलते हैं। जिथे इटली के वख-वख शहरां दे विच नगर कीर्तन सजाए जा रहे हैं, इसे लड़ी तहत गुरद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी लेनो जिथे कि खालसे के साजना दिवस नूं समर्पित 2 अप्रैल नगर कीर्तन सजाया जा रहा है। साडे नाल प्रबंधक कमेटी मौजूद है, उन्होंने गलबात करांगे। उन्हां ही नगर कीर्तन की जानकारी दी। वाहिगुरु जी का खालसा साहबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नादी पुत्र खालसा पंथ दिवस प्रगट दिवस में जो समर्पित नगर कीर्तन 2 अप्रैल दिन एतवार को गुरद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी लेनो की धरती से सजाया जा रहा है जी। नगर कीर्तन की आरंभता तकरीबन सवेरे 11:30 बजे होगी। जो नगर कीर्तन की आरंभता है वह गुरद्वारा साहब की पावन स्थान तो होगी, तो समाप्ति भी गुरद्वारा साहब के पावन स्थान पर ही होगी। सो इस नगर कीर्तन के इंडिया की धरती तो अनेक ही रागी ढाडी पहुँच रहे हैं। सो लाके दी संगतां नूं बेनती है बढ़ चढ़ के इस नगर कीर्तन में हाजरी भर के गुरु साहिब जी दी खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसे ने जन्म दिहाड़े नूं समर्पित दे उत्ते वख-वख कीर्तन नगर कीर्तन सजाए जा रहे। इस बार गुरुद्वारा इहनूं जिहड़ी कि पहली बार नगर कीर्तन सजाया गई है, किस तरह दा उत्साह है संगत दे विच? सो संगत दे विच बहुत भारी उत्साह है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय तो 4-5 साल तो गुरद्वारा साहब में कोई भी नगर कीर्तन नहीं सजाया गया। संगतां दी भरपूर अपील के नाल यह उपराला किया गया है, तो संगतां दे बार बार कहने पर सानू भी आपां महाराज के इन दिहाड़े नगर कीर्तन का जिहड़ा वो प्रोग्राम रखना चाहिए। सो संगतां दी बहुत ज़्यादा ही मांग के आधार के उत्ते यह उपराला किया है। सो संगतां दा बहुत ही भारी उत्साह है, बहुत ही बढ़ चढ़ के संगतां समाज में अपना योगदान पा रही हैं। सो सारिया इलाके संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इन समाज में अपना योगदान अपने नाम लिखवा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। इलाके की नौजवान जिन्हें भी जुड़े हैं गुरद्वारा साहब के नाल अपने वालों स्टाला की सेवा कर रहे हैं, उसके नगर कीर्तन के अंदर साफ सफाई की सेवा वीर ने साडे को नाम लिखाई हुई कि वो अपने वालों की टीम ला के ताकि कोई भी कूड़ा करकट या कोई भी इस तरह की चीज़ें साफ सफाई कर बहुत भारी उत्साह है। नौजवानों वालों वक् वक् नगर चो बार बार फोन करके नौजवान पूछ रहे हैं भाई सानू लंगर की सेवा दी जाए, स्टाल की सेवा दी जाए। नौजवानों यही अपील करनी कि भाई महाराज का कार्य है वो बद चढ़ के साथ दौ, सहयोग करो, तो गुरु पातशाह की लड़ लो, गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त करो, नशे भी त्यागो, माड़े कामों में छड़ के गुरु पातशाह के ਦਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੇਨੋਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਨੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ
ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ पिछले बार भी नगर कीर्तन कटिया जे आप प्रशासन के नाल की सहमति के नाल सारा सिस्टम वधिया तरीके चलावांगे तो कोई एड्डा ज्यादा मुश्किल नहीं है आम साडे बहुत ज्यादा नगर कीर्तन सजाए जा रहे हैं सिर्फ यही है कि सानू जो रूल रेगुलेशन है उन्होंने फॉलो करने जरूरी है सफाई का ध्यान रखना पैदा इस करके असी पिछली बार भी नगर कीर्तन कटिया जो असी परमिशन अप्लाई की उन्हें कोई इधर कोई मुश्किल नहीं बड़ी खुशी के नाल साडी नगर कमिश्नर नूं अपील कीता वक्त वक्त देशों वाग इटली दे विच भी जिस तरह हूँ नगर कीर्तन सजाया जा रहा है तुहानूं लगदा कि इहनां दा प्रभाव पैंदा सी सीजन जिहड़ी आम जिहड़े डाले जां होम टाउन दे उप्पर इहनां दा प्रभाव पैंदा सो पहले समयां दे विच बहुत ज़्यादा सिख नहीं सी दिसण नूं मिलदे हुण साडे नौजवान जिहड़े आ दस्तार आम ही बन्नदे हन आम देखण नूं नौजवान अमृतधारी सिख मिलदे हन तो इस दे नाल सारा क्यों पहला यह भी लोग जो सवाल जवाब करते कौन आ तुसीं सिर ते दस्तार बन्नी है इहदे की मतलब आ हाथ में कड़ा पाया इहदा की कारण है हुण तकरीबन असीं आम विचरदे हां मैं डिलीवरी करदा आम तकरीबन सारे सूबियां विच असीं ट्रक लैके जांदे हां कदी किसी ने यह सवाल नहीं सी कीता कदी किसी ने यह नहीं पुछया वी हुण तुसीं दाढ़ी क्यों रखी है तुसीं केस क्यों रखे आ क्यों पहले समय दे विच बहुत मुश्किल आउंदियां सी ये सारा जो देन है साड़ी पहचान इन्हां अटाली लोगों तक पहुंची है ये जिहड़े असीं समागम लीकदे हां नगर कीर्तन लीकदे हां इन्हां दी ही देन है जिहड़ा नगर कीर्तन तुसीं जिवें दस्सिया वी गुरद्वारा साहिब तों आरंभ होएगा रस्ते दे विच पूरे लेनों दी परिक्रमा करदा कदर जे संगतां नूं आपां दस्सीए जिहड़ा इक मैप दी जानकारी देणी चाहिए किस तरह दे सकदे सो जिहड़ा नगर कीर्तन है गुरद्वारा साहिब तों चाले पा के बिया ब्रेशियाबाद दी जाएगा सेंटर दे विच पिंड दे सेंटर दे विचों वापसी हुंदा होया जिहड़ियां इधर मार्केट हैं निधु वगैरह मार्केट ने इधर दी जो गुरद्वारा साहिब नूं नगर कीर्तन वापसी करेगा जी गुरद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी लेनो ब्रेशिया इटली विखे खालसा साजना दिवस नूं समर्पित पहला महान नगर कीर्तन 2 तरीक दिन एतवार नूं सजाया जाएगा जी सवेरे 10 बजे गुरद्वारा साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब के भोग पैणगे नगर कीर्तन की आरंभता सवेरे 11 बजे होगी जी इलाके दियां समूह संगतां वालों ये जो उपराला रल मिल के किया गया है जी सो इंडिया की धरती तो उचेचे तौर पर पंथ प्रसिद्ध रागी ढाडी जथे दीवाना विच हाजरी भरनगे सो संगतां नूं बेनती है 2 अप्रैल दिन एतवार नूं खालसा पंथ के साजना दिवस से जो नगर कीर्तन सजाया जाना है उस विच वध चढ़ के हाजरियां भरो गुरु साहब जी दी खुशियां प्राप्त करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह निडर हां निरपक्ष हां आजाद हां सच कहां गल करांगे सियासी हवा दी होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल उभरांगे पंजाब दी आवाज बन होणगी हर पहलू ते रोज चर्चे खोलांगे अंदरूनी राज बणांगे बुलंद आवाज खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे हर पिंड हर शहर जावांगे मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार की करदी है साडी सरकार की है तुहाडी मुश्किल दा हल D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर D5 चैनल पंजाबी अपनी धरती अपने लोग सत श्री अकाल जी मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।